वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो गाइज यहाँ सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। इसका रिव्यू मैंने मेरे चैनल पे शेयर किया हुआ है। ये एलोवेरा का एलोवेरा जेल है, इसको मैं लगाऊंगी अपने फेस पे। मॉइस्चराइज मैंने पहले ही कर लिया अपने फेस को, निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था यहाँ पे मैंने। उसके बाद इसे अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व होने देंगे, उसके बाद आगे का जो है हम स्टार्ट करेंगे मेकअप। अब बारी आती है लिप बाम की। यहाँ पे मैं वादी हर्बल का जो है लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने नायका से मंगवाया था। अब मैं ये पेन स्टिक जो है इससे मेकअप करूँगी अपना। ओलिविया का पेन स्टिक है, इसको मैं अपने फेस पे लगा लूँगी। तो गाइज इसको मैंने अपने इस बार अपने हैंड से ही ब्लेंड करना है। मैं इस बार कोई ब्यूटी ब्लेंडर या कोई ब्रश नहीं ले रही हूँ, अपने हाथों से ही इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ठीक है, अब कंसीलर की जगह भी ये ओलिविया का पेन स्टिक ही मैं यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे यूज़ करना है वहाँ मैंने लगा लिया है। इसको भी मैं हाथों से अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर लूँगी और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। यहाँ पे मैं स्टे क्विर्की का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। ठीक है, इसको इसके साथ जो पफ आता है उसी की मदद से इसे लगाऊंगी। ये एकदम जो है मैट लुक दे देगा आपके फेस पे अगर आप इसे अप्लाई करते हैं। अब ये मैं NYBay का कंटोर करने वाली हूँ। यहाँ पे कंटोरिंग स्टिक जो है NYBay का मैं यूज़ करूँगी। बहुत इजीली ब्लेंड होता है, बट हाँ हैंड से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा सा हाथ जो है वो ब्राउन हो जाते हैं, तो आपको क्लीन करने के लिए कुछ रखना पड़ेगा पास में अपने हैंड्स को। तो यहाँ पे चिन पे कंटोर कर रही हूँ मैं, फिर उसके बाद नोज़ पे, और अपने हाथों से इसको मैं जो है वो ब्लेंड करूँगी। काफ़ी इजीली ब्लेंड होता है वैसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप देख सकते हैं कितने आराम से हो रहा है ये ब्लेंड। ये इसीलिए गाइज मैंने वीडियो में कट नहीं किया, कहीं आपको ये ना लगे कि हो सकता है मैंने बाद में ब्लेंडर यूज़ किया हो, पर मैंने अपने हाथों से ही पूरा ब्लेंड किया है। अब चिन पे इसको भी अच्छे से हाथों से ही मैं अपने ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। जो पेन स्टिक है उसको नेक पे भी मैंने अप्लाई किया था। नेक पे कोई भी मेकअप आपको ज़रूर लगाना चाहिए जो भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं उसे। यहाँ पे मैं सिर्फ जो मैंने एरिया कंटूर किया है उसको मैं सेट कर लूँगी पाउडर से। स्टे क्विर्की का कॉम्पैक्ट मैंने फिर से यूज़ किया है। अब मेरे पास है ये NYBay की आईब्रो पेंसिल, काफ़ी अफोर्डेबल, काफ़ी अच्छी पेंसिल है ये। इससे मैं मेरी आईब्रोज जो हैं वो फिल कर लूँगी। मैंने ये ब्राउन कलर है मेरा वो यूज़ कर रही हूँ। आईब्रोज फिल करने से काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। तो यहाँ मैंने ये आईब्रोज फिल कर ली अपनी। अब इसको मैंने कोई ब्रश यूज़ नहीं करना था, तो ये आईब्रो पेंसिल के साथ में एक हल्का सा कॉम्ब होता है उसी की मदद से मैं इसे सेट कर रही हूँ। अब बारी आती है आई शेडो की। आई शेडो के लिए मेरे पास ये जो ब्लश का एक छोटा सा पैलेट है, मैं आज इसे ही यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत इजी मेकअप करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, तो इसीलिए मैंने उसी जो आई शेडो पैलेट में, सॉरी ये जो ब्लश पैलेट है उसमें जो ब्लश था उसके साथ में ये ब्रश था उससे ही मैं अपना आई शेडो लगा रही हूँ और उसी से ब्लेंड कर लूँगी। यही मैं इसको ब्लश को लगा लूँगी अपने चीक्स पे।
अब बारी आती है आई शेडो की, मतलब अब लोअर लैश लाइन के नीचे जो है मैंने हल्का सा पिंक कलर ले लिया, एक मेरे पास आई शेडो पैलेट है मैक का, उसको मैं नीचे लगा लूँगी हल्का सा पिंक कलर, हल्का सा बहुत मामूली सा नीचे लगा लूँगी। ये भी इसमें मैंने कोई ब्रश यूज़ नहीं किया है, ये एप्लीकेटर इस किट में ही था, उसी की मदद से मैं लगा रही हूँ। देखिए अब बारी आती है स्टे क्विर्की के आईलाइनर की, मतलब कोई भी आईलाइनर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टे क्विर्की का ब्लैक आईलाइनर ले रही हूँ। विंग में बहुत ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर रही, बहुत हल्का सा बस विंग जो है वो ड्रॉ करूँगी यहाँ पे। ये स्टे क्विर्की का आईलाइनर अच्छा है, ये ब्लैक, इनफैक्ट स्टे क्विर्की का काजल बहुत पसंद है मुझे, बैडेस काजल जो है इनका, काफ़ी अच्छा काजल है वो। अब मैं यहाँ एन वाई बे का काजल लूँगी और इसको अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी। दोनों आईज पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया। अब मस्कारा से अपनी जो है आई लैशेस को हम कर्ल कर लेंगे हल्का सा, लोअर और अपर दोनों आई लैशेस को। यहाँ मैं पीएस का मस्कारा जो है यूज़ कर रही हूँ। अब बारी आती है लिपस्टिक की, उसके लिए एन वाई बे की जो है मैं पिंक, मेरे पास एक शेड है लिपस्टिक का एन वाई बे का ही, उसका रिव्यू किया हुआ है, एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी नहीं याद आ रहा, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। ये मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लिक्विड अप्लाई कर लिया है। अब एन वाई बे का ही मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया है मैंने, ये है मेरा फाइनल लुक गाइज। अब मैं ड्रेस पहन के बताती हूँ। लुक आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा ये वीडियो, अगर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।